हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम रियानी टिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन, जेंट स्वेटर, बेबी फ्रॉक और बेबी स्वेटर, इवन शॉल्स एंड ब्लैंकेट, सब में अच्छा लगेगा। और सिंपल 4 रोज़ का डिज़ाइन है। टू टू रोज़ में तो ये डिज़ाइन बनता है और टू में ये सीधा उल्टा है। तो 4 रोज़ का डिज़ाइन है और इसमें 2 के मल्टीपल्स पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने 32 स्टिचेस लिए हैं। 2 के मल्टीपल्स 30 + 2 S stitches, एक स्टार्टिंग का और एक आखिर का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रो राइट साइड, एस स्टिच को हम उतार लेते हैं। अब ये देखिए, 2 फंदे हैं, इनके बाद से हम निडल लेके एक स्टिच निकाल लेते हैं। फिर एक स्टिच को इसके बीच में से निकाल लेते हैं। तो ये हमारे 2 के 2 स्टिच बन गए। और 2 स्टिच को हम ऐसे बुन लेते हैं। तो ये हमारे 3 स्टिचेस हो गए। और 3 स्टिचेस को हम इस निडल पे उतार लेते हैं, धागा आगे करेंगे और इन 3 का 1 कर लेंगे। तो ये स्टिचेस हमारे 2 के 2 ही रहे। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, 2 स्टिचेस के बाद से हम एक फंदा निकालते हैं, फिर एक 2 फंदों के बीच में से निकालते हैं और उसके बाद सीधा करके इन 2 का 1 कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 3 स्टिचेस हो गए। इसको हम इस निडल पे उतारते हैं और धागे को आगे करके 3 का 1 कर लेते हैं। तो स्टिचेस हमारे ये 2 ही रहते हैं। तो इसी 3 स्टिचेस को हमने पूरी रो में रिपीट करना है। इस लेफ्ट साइड की निडल पे उतार लेते हैं, धागा आगे करके 3 का 1। इन 3 को इस पे ले लेते हैं, दूसरी निडल पे धागा आगे करेंगे और 3 का 1 कर लेंगे। तो 2 स्टिचेस के ये हमारे 3 स्टिचेस हो गए। धागा आगे करके 3 का 1 कर लेंगे। एक बार साइड से, एक बार दोनों के बीच में से और फिर इन 2 का 1 कर लेते हैं। अब इस 3 स्टिचेस को इधर निडल पर उतार लेते हैं, धागा आगे और इन 3 का 1।
धागा आगे करके इन तीन का एक कर लेते हैं। धागा आगे करके तीन का एक, तो ये हमारा लास्ट सेट पड़ा है। चूंकि हमारी राइट साइड है तो एस स्टिच को सीधा करें, तो ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। रॉन्ग साइड सेकंड रो, इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। सिंपल फोर रोज का डिज़ाइन है और बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब हम डिज़ाइन की थर्ड रो पे हैं। ये वाला डिज़ाइन तो हमारा डल गया, अब ये डालना है, तो थर्ड रो को हम पूरे को सीधा सीधा बना लेंगे। अब हम डिज़ाइन की फोर्थ रो पे हैं। फोर्थ रो को पूरा पूरा उल्टा बना लेंगे। सेकंड एंड फोर्थ रो बहुत सेम है।
देखिए, फोर रोज कंप्लीट हो गई और फोर रोज कंप्लीट होने पे डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।